नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल होम बनाव से। इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग बोरोसिल के स्टेनलेस स्टील फ्राई पैन का। अब नॉर्मली मैं अमेजोन पे सर्च कर रहा था, मेरे को एक फ्राई पैन खरीदना था, और जब मैंने बोरोसिल का नाम देखा तो मैं काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि बोरोसिल को हम जनरली उनके ग्लास के प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। अब बोरोसिल के पास स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स में कढ़ाई थी, कैसेरोल था, हांडी था, तो मेरे को लगा कि ठीक है, एक बार ट्राई करते, देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है, और अगर अच्छा लगा तो शायद क्योंकि इनके ग्लास के प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे को चेक करना था कि इनका स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट कैसा है। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसके फीचर्स, कैसा लगता है, कितना हेफ्ट है, कितना स्टर्डी है या नहीं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है तो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूले। तो अगर मिनिमम 5 लोग मेरे को मांगेंगे तो इसका फुल रिव्यू ज़रूर करूँगा। तो बताइए मेरे को अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है। सो बॉक्स के ऊपर बेसिकली दिया हुआ है कि ये एक इम्पैक्ट बॉन्डेड ट्राई प्लाई बॉटम है, स्टेनलेस स्टील यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन, थिक एल्यूमिनियम कोर एंड इंडक्शन फ्रेंडली ड्यूरेबल बेस। तो ये पर्टिकुलर फ्राई पैन आप इंडक्शन स्टव टॉप के ऊपर भी यूज़ कर पाओगे। अब खोलते इसको, देखते क्या क्या है बॉक्स के अंदर। बोरोसिल के ग्लास के प्रोडक्ट्स जनरली काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आई एम श्योर इन्होंने स्टेनलेस स्टील में भी डिसेंट काम ही किया होगा। बेसिक एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट है इसके साथ, और दूसरे फ्राई पैन के दूसरे स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स का डिटेल्स है। ये रहा एक्चुअल फ्राई पैन, थिक इंडक्शन बॉटम, और 5 years वारंटी ऑन बेस, एक छोटा सा टैग है यहाँ पे, इसको निकालता हूँ। मेरे को फ्राई पैन, एक छोटा सा फ्राई पैन चाहिए था, क्योंकि कभी कभार बेसिक चीज़ें सॉटे करने के लिए या फ्राई करने के लिए बड़ा कढ़ाई निकालने का मज़ा नहीं आता। और एक और रीज़न क्यों ख़रीदा है मैंने ये, क्योंकि आप मूवीज़ में या कुकिंग वीडियोस में देखते होंगे कि प्रोफेशनल सेफ ऐसे ऐसे खाने को टॉस करते तो मेरे को वो भी ट्राई करना है। तो अब ये पर्टिकुलर फ्राई पैन अंदर की ओर से काफ़ी शाइनी है। आई एम नॉट श्योर कि अंदर इतना शाइनी होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये चेक करना है कि ये क्रोम प्लेटेड है या एक्चुअल नेचुरल स्टेनलेस स्टील को ऐसे किया है इन्होंने। पीछे की तरफ इंडक्शन बॉटम है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये गैस फ्रेंडली है, इंडक्शन फ्रेंडली है, हॉट प्लेट फ्रेंडली है, हैलोजन फ्रेंडली है, और डिशवॉशर सेफ भी है। ओके, इसके जो स्क्रूज है वो आई थिंक वेल्डेड है, रिवेटेड है या वेल्डेड है, तो अगर ये निकलेगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिक्स करने का, होपफुली निकलेगा नहीं। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। अब इसका जो हैंडल है, एक्चुअली हैंडल लगता तो सॉलिड है पर एक्चुअली हॉलो है, तो मेरे को ये देखना होगा कि कितना आराम से ये वेट पकड़ सकता है या क्या कर सकता है। अब नॉर्मली स्पीकिंग स्टेनलेस स्टील का जो कुकवेयर होता है उसमें एल्यूमिनियम के जैसे कुछ भी हेल्थ के रिलेटेड इफेक्ट नहीं होगा आपको, पर एल्यूमिनियम के जैसे हीटिंग भी नहीं मिलता। तो इन्होंने क्या किया है, बॉक्स पे भी मेंशन जो किया है, ट्राई प्लाई है, मतलब एल्यूमिनियम का एक लेयर बीच में है, तो उससे क्या होगा, एल्यूमिनियम का जो थर्मल कंडक्टिविटी है स्टेनलेस स्टील से काफ़ी अच्छा है, तो हीट जो होगा, मेरा ये गेस है कि काफ़ी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा एल्यूमिनियम के वजह से। तो ये था बेसिक अनबॉक्सिंग आपके बोरोसिल का स्टेनलेस स्टील फ्राई पैन का। मैंने खरीदा है 20 सेंटीमीटर का मॉडल। क्या लगता है आपको, क्या सवाल है इस फ्राई पैन के रिलेटेड, ज़रूर कमेंट्स में डालिए, और अगर फुल रिव्यू देखना है तो ज़रूर कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर इसका रिव्यू करना चाहूँगा।
मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।